गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब। आज दिनांक 28 जुलाई 2020 मंगलवार। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 हिंदी के अंदर हम लोग इकाई 5 चिड़िया घर की सैर यह पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको याद होगा कि इसके अगले वाले वीडियो के अंदर मैंने यह इकाई आपको पढ़ाई थी, जिसके अंदर गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर की सैर के लिए गई थी। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम आगे चलते हैं, स्वाध्याय पे जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पहचानिए और विधान के सामने उचित नाम लिखिए। उसमें पहला है, उसकी नाक पर एक सिंह है। उसका जवाब क्या आएगा, उसका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? उसका उत्तर आएगा गेंडा। दूसरा, उसको एक लंबी सुंड है। इसका उत्तर है हाथी। आपको पता चल गया होगा विद्यार्थी मित्रों, उसका खोल पत्थर जैसा है। उसका जवाब आएगा कछुआ। चार, वह एक हिंसक जानवर है और दो पैरों पर चल सकता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बारे में आप सोच सकते हो यह क्या है। यह है भालू, जिसको हम गुजराती में रींच कहते हैं। पांचवा, उसकी गर्दन लंबी है। हाँ विद्यार्थी मित्रों, आप जो सोच रहे हैं वही, जिराफ। उसका मुंह काला है। विद्यार्थी मित्रों, यह है लंगूर। सातवा, वह पंख फैलाकर नाचता है। विद्यार्थी मित्रों, यह मोर है। क्या है? मोर। आठवा, सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसको गुजराती में हम क्या कहते हैं? शाहमृग। क्या कहते हैं? शाहमृग। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसके अंदर पहला है, गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। इसमें रिक्त स्थान कहाँ आएगा? तो दादाजी। रिक्त स्थान दो पैरों पर खड़ा था, तो इसके अंदर जवाब क्या आएगा? भालू दो पैरों पर खड़ा था। तीसरा, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के अंदर हमने पढ़ा था कि जब गीता अपने दादाजी के साथ घूम रही थी, तब एक तालाब था जिसके अंदर क्या था? रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। इसके आगे चलते हैं। गीता ने रिक्त स्थान को पत्थर बताया, तो इसके अंदर क्या जवाब आएगा, क्या उत्तर आएगा विद्यार्थी मित्रों? गीता ने किसे पत्थर बताया था? तो कछुए को पत्थर बताया था। पांचवा, कछुआ अपनी गर्दन और हाथ पैर खोल में छिपा लेता है। कहाँ छिपा लेता है? खोल में। छठा, बड़े तालाब में रिक्त स्थान तैर रहे थे, मगर तैर रहे थे। कौन तैर रहा था? मगर। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना। तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी, और यहाँ एक बड़ा तालाब भी था जिसके अंदर मगर तैर रहे थे। सातवां, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। मैंने बात की थी कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के अंदर
हम आज यह दो चीज़ें देखेंगे और हमने ये आपको पढ़ाई। अब आपको क्या करना है, अपनी नोट के अंदर यह अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। यह पाठ है जो यह इकाई है चिड़ियाघर की सैर, इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हम इसके बारे में और आपको पढ़ाएंगे, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। तब तक के लिए हमें इजाज़त दो। विद्यार्थी मित्रों, एक बहुत ही आवश्यक सूचना है, हमें इस काल के अंदर, इस समय के अंदर अपने घर के अंदर ही रहना है। हम वार्ता यानी कि कहानियाँ और कई सारे पुस्तक होते हैं यह पढ़ने के, और हम जो ये पढ़ाते हैं यह भी आपको ध्यान में रखने का और अच्छे से याद कर लेने का। किसी को भी बाहर नहीं निकलना है ऐसे समय के अंदर, और अगर निकलने की आवश्यकताएँ हो तो क्या करें, मास्क को पहन कर ही आप अपने घर से निकले और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। तो अब मुझे इजाज़त दो, अलविदा।